आदम से शेथ, शेथ से एनोश, एनोश से किनान, किनान से महलेल, से मेरे पिता मथुशला, मथुशला से मुझ तक, आज वो जन्मसिद्ध अधिकार तुम्हें दिया जाता है नोआ, मेरे बेटे। रचयिता ने आदम को अपनी छवि में बनाया और फिर जगत को उसकी देखरेख में सौंप दिया। ये अब तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी। आशा है तुम रचयिता के साथ चलोगे धार्मिकता में। तो मैं तुमसे कहता हूं, हम यहां खान खोलेंगे आदमी। जमीन बहुत ही समृद्ध ये जमीन जोहार से समृद्ध है। ये रचयिता की भूमि है। तुम क्या कर रहे हो? वो रचयिता, मेरी खाने खाली हो चुकी है। मेरा शहर कंगाल हो रहा है, उसे भोजन मिलना चाहिए। और उसने क्या किया? उसने हमें शाप दिया कि संघर्ष करें, अपने माथे के पसीने से जिए। मुझे लानत अगर मैं वो ना करूं जो मुझे करना चाहिए। लानत है मुझ पर अगर मैं वो ना लूं जो मुझे चाहिए। ये अवशेष अब केन के वंशजों की संपत्ति है। शेथ का वंश यहां खत्म होता है। ये हमारा है, अब खो दो। हैम, तुम ये क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा है। वो दूसरे फूल देख रहे हो, कैसे भूमि से जुड़े हुए हैं? उन्हें वहीं होना चाहिए। उनका एक मकसद है, उनके अंकुर फूटते हैं, वो खिलते हैं, हवा उनके बीज उड़ा ले जाती है और फूल खिलते हैं। हम उनमें से वही चुनते हैं जिनकी हमें जरूरत हो, समझ रहे हो ना? शैम, हैम, चलो चले। आदमी छुप जाओ, छुप जाओ, चलो।
तुम्हें हमारा शिकार मिला, कितने खुशकिस्मत हो, पर शायद इस बार नहीं। तुम्हें पता है कितने अरसे से हमने मांस नहीं खाया, हमने देखा भी नहीं है। शांत। नहीं, तुम चाहते क्या हो? न्याय चाहिए। इसे क्यों मार दिया? बहुत से खाते हैं। क्यों? उन्हें लगता है इससे उन्हें शक्ति मिलती है। ये सच है? वो भूल जाते हैं शक्ति रचयिता देता है। अपने भाइयों को देखो, आज लोगों को शिकार करते देखा, वो नजदीक आ रहे हैं। उसे ये कैसा लगा? कुछ ज्यादा ही दिलचस्प। उसे कभी तो ये देखना ही था। मैंने कुछ और भी देखा, एक फूल बस यूं ही खिलता हुआ। शायद अंत में वो सब ठीक कर दे। क्या उन्होंने तुमसे बात की? मेरे ख्याल से हाँ।
क्या वो हमारी मदद करेंगे? वो संसार को नष्ट करने वाले हैं। ये लड़कों के लिए एक बहुत ही लंबी और खतरनाक यात्रा होगी। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे दादा जीवित हैं? मुझे नहीं पता, मैंने उनका पर्वत देखा। हमें क्या करना चाहिए पता नहीं, वो जानते हैं या नहीं। जेम, मेरी मदद करोगे? हम लड़कों को साथ लेकर छुपने की कोई जगह ढूंढ सकते हैं। कोई छुपना नहीं होगा, अब तक हमें निकल जाना चाहिए था। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं वो कैसे करते हैं। उसे यहां अंदर डालो, अगली बार जब हम जाएं हमें पता होगा कि हमें क्या चाहिए। ठीक है? आगे शहर है, हम उनके ज्यादा करीब नहीं जाएंगे। जुहा खान है? कभी थी, उससे पहले जब उन्होंने इसे पूरा खोद दिया। क्या हम उसके नजदीक से जाएं? नहीं। क्या वो सब मर चुके हैं? लगता तो यही है, वो जरूर यहां सफाई कर रहे होंगे। और किसी ने उसकी सफाई कर दी। दूर हटो। एक साथ रहना। मुझे अपना नाम बता। ईला, मेरा नाम ईला है। ईला, तुम ठीक हो जाओगी। ये शैम, वो कसकर तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और वो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ ऊपर चलो, चलो जल्दी, हमें जाना होगा। चलो चलो, कोई नहीं जाएगा। पहाड़ के ऊपर चलो। हम वहां नहीं जा सकते। चलो ये। और कोई चारा नहीं है, चलो आगे बढ़ो। रुक जाओ, रुको, तुम भाग नहीं सकते। मत भागो, तुम भाग नहीं सकते। हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। शैम, अपनी मां के साथ रहना हमेशा, अपना भी ख्याल रखना। भागो।
क्या तुम ठीक हो? मतुशला से मिलने जा रहे हैं, वो मेरे दादा हैं। तुम उस बुजुर्ग की संतान हो, तुम्हें उन्हें मारना चाहिए था, पर सम्यासा ये एक मनुष्य है ओजी, क्या तुम भूल गए उन्होंने कैसे रचयिता को दगा दिया? उन्होंने ही हमें भेजा है। ये झूठ बोलता है, उन्हें ये छोड़ दो सकने के लिए। सो जाओ। मेरे लिए गाइए, मैं चाहती हूँ मेरे बाबा मेरे लिए गाएं। मैंने भी अपने पिता को खो दिया जब मैं बहुत छोटा था। एक गीत है जो वो मुझे सुलाने के लिए गाया करते थे, तुम्हें वो सुनना है? ऊपर है चांद नीचे वृक्ष ये तमाम, मेरे बाबा सुलाएं अपने पंखों में छुपाएं, आंखें नींद को बुलाएं बाबा लोरी ये गाएं, वो पवन गुनगुनाए नींद झूला झुलाए, नींद झूला झुलाए ताकि ये परी सो जाए, नींद झूला झुलाए, नींद झूला झुलाए। ये बहुत ही खराब जख्म है, इसके कभी बच्चे नहीं होंगे। अगर इसे बुखार नहीं आया तो शायद ये बच जाएगी। मेरे पीछे आओ, माफ करना मैंने तुम्हें डरा दिया, पहले मनुष्यों को डराना सीख गए। फिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? चैता ने हमें दूसरे दिन बनाया था, उस दिन जब उसने आकाश बनाया, हम आदम और हव्वा पर पहरा देने के लिए बनाए हैं। हमने उनका प्यार देखा है और उनका अंत भी देखा, हमने उन पर तरस खाया। हव्वा पत्थर नहीं थी पर रोशनी थी, फिर भी हमने कोशिश की मानवता की मदद करने की, और जब हमने रचयिता की आज्ञा का उल्लंघन किया हमें सजा। अब तुम्हारी दुनिया द्वारा कुछ ले गए, पत्थर और मिट्टी ने ढाक दिया हमें। फिर भी हमने मनुष्य जाति को सब कुछ सिखाया जो हमें आता था। हमारी मदद से वो मिट्टी में से उठकर महान और कलावान बने, पर उन्होंने हमारे वरदानों को हिंसा में बदल दिया। एक व्यक्ति ने हमारी आज्ञा का पालन किया, तुम्हारे नाना मथुसला ने हमारा शिकार किया जाता, ज्यादातर हम मारे जाते।
हमने रचयिता से भीख मांगकर कहा कि हमें वापस भेज दे, लेकिन वो खामोश था। और अब तुम ये दावा करते हो कि तुमने उनका बुलावा सुना है। सुमयाजा ये मानने को तैयार नहीं है कि एक मनुष्य, वही मनुष्य जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया। अगर फिर भी तुम जैसे मनुष्य को देखकर मुझे तुम में आदम की झलक नजर आती है, वो मनुष्य जिसे मैं जानता था, वो मनुष्य जिसकी मदद में करने आया हूं। देखभाल करो, ठीक है? और तुम अपने पिता की देखभाल करना। उनका ध्यान रखना। उसकी फिक्र तुम मत करो। श्याम हूं। मेरा पहलौठा। नजदीक आओ, जरा देखो तो। तुम खुशकिस्मत लड़के हो, मेरे ख्याल से तुम अपनी मां पर गए हो, अपने पिता पर नहीं। आओ और अपने बारे में कुछ बताओ, बैठो। तो तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? पेरिस। क्या? पेरिस। बेरीज। हाँ, वैसे भी फ्रेश राइप बेरीज का कोई मुकाबला नहीं है। इतना वक्त हो गया कि मुझे उनका स्वाद ही याद नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? हाँ? नहीं, मैं उनके लिए तो तरस रहा हूं। ठीक है, शायद किसी और दिन। तुम लगता है थक गए हो, काफी थके हुए लग रहे हो, आराम करो। इतना बढ़िया है, आओ बैठो। हमें जिस बारे में बात करनी है वो बच्चे के संदर्भ में नहीं, कुछ और है। आप जानते हैं मैं क्यों आया हूं? हाँ, इससे पहले वो गुजर गए, मेरे पिता ने मुझे कहा था कि जैसे आदमी अपना चाल चलन कर रहा है, अगर ऐसा ही करता रहे तो दुनिया को ऊपर वाला नष्ट कर देगा। तो जो मैंने देखा वो सच है, इंसानी करतूतों की वजह से सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। नोआ, तुम्हें ऊपर वाले पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें बताएगा कि सही रास्ता क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि यह तबाही टल जाएगी? नहीं। सही कहा। उन्होंने मुझे यहां भेजा है, अगर मैं इसे रोक नहीं सकता तो वो मुझे यहां क्यों भेजते? शायद तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम मेरे साथ एक कप चाय पी सको। तो क्या तुमने यही सब देखा है? तबाही की लपटें और आग हर जगह? नहीं, आग नहीं, पानी। पानी? मेरे पिता ने तो कहा था कि फिर से आग लगेगी। मैंने पानी देखा, पानी द्वारा मृत्यु। मैंने मौत देखी और मैंने देखा नया जीवन। कुछ और भी है दादाजी, कुछ जो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं जानता हूं।
बस देख नहीं पाया वो क्या था। नया जीवन, शायद तुम्हारे देखने को और कुछ भी है। क्या उन्होंने तुम्हें यहां नहीं भेजा एक बूढ़े आदमी के साथ चाय पीने के लिए? दवा हमेशा बेस्वाद होती है। जोर से चोट लगी है। इसे अपने पास रखूं? इसे हाथ में इस तरह से? इससे वो सुरक्षित महसूस करेगा। खैर, आग सब भस्म कर देती है, पानी स्वच्छ करता है, ये गंदे को शुद्ध से अलग करता है, बुरों को मासूमों से, और वो जो डूब जाते हैं उससे जो ऊपर उठते हैं वो सबको नष्ट कर देते हैं दोबारा शुरू करने के लिए। तुम्हें यकीन है? हां, उस तूफान को रोका नहीं जा सकता पर उससे बचा जा सकता है। चाहे तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, ये एक बीज है, वो पहले बाग से जो ईडन में था। याद रखना नोआ, उन्होंने तुम्हें एक कारण की वजह से चुना है। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते पिताजी। मेरे दादा जिंदा हैं, उन्होंने मुझे समझाया हमें क्या करना है। मनुष्यों को सजा मिलेगी उसके लिए जो वो कर रहे हैं। यहां विनाश होगा, यहां जास दी होगी, और हमारे परिवार को चुना गया है इस महान कार्य के लिए। हमें चुना गया है मासूमों को बचाने के लिए। वो मासूम? जानवर। वो मासूम क्यों है? क्योंकि वो वैसे ही रहते हैं। ये सच है, हमें उनमें से काफियों को बचाना होगा दोबारा शुरुआत करने के लिए। फिर हमारा क्या होगा? लगता है हमें भी दोबारा शुरुआत करनी होगी। हमें दोबारा शुरुआत करने मिलेगी, एक नई और बेहतर शुरुआत, पर पहले हमें बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एक बहुत बड़ा जल प्रलय आ रहा है। आकाश का जल धरती के जल से मिल जाएगा। तूफान से बचने हम एक जहाज बनाएंगे। हम एक बड़ी नौका बनाएंगे। हमारी मदद करो। तुम्हारी मदद करें? तुम्हारी जाति की हमने एक बार मदद करने की कोशिश की थी,
पर सब कुछ गवा दिया। सब कुछ नहीं, जो बाकी रहा है उसे बचा सकते हैं, फिर से उनकी सेवा कर सकते हैं। तुम धोखे बाज हो रचयिता। ये हमारी नौका है। हम इस आदमी की मदद करेंगे। दर्द अभी भी है? शैम, शैम, उसका कोई नहीं है। चलो।
पिताजी, क्या आपने वो देखा? पिताजी? हाँ यावित, ये शुरू हो गया है। तैयार? ये सो रही है। ये नर है और ये मादा। तूफान के बाद दोनों वन जाएंगे पिता और मां के रूप में, और चूजे पूरे संसार भर में फैल जाएंगे। हमें इन्हें संभालना होगा, इनकी रक्षा करनी होगी। इनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो सृष्टि का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो जाएगा। ये सभी मासूम प्राणी अब हमारी देखरेख में है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाबा, सारे पक्षियों के जोड़े हैं। आपके पास माँ है, शयन के पास ईला है, पर मेरे पास क्या है? जपत के बारे में क्या? या हमारे लिए कौन है? तुमने देखा कैसे उन्होंने जंगल बना दिया और नौका के लिए लकड़ी दी, कैसे उन्होंने पक्षी भेजे? तो क्या आप पर वो चीज नहीं भेजी जो हमें चाहिए? पिताजी, क्या है वो? सांप! क्या सांप भी आ रहे हैं? सभी रेंगने वाले, सभी पंजे वाले, हर एक जानवर। कोई बात नहीं,
पिताजी, पिताजी। डरने की जरूरत नहीं, कोई इस लड़के को चोट नहीं पहुंचाएगा। नाम क्या है तुम्हारा? हैम। हैम, हाँ, मैं हूं ट्यूबल कैन। क्या तुम मुझे जानते हो? तुम अपने राजा को नहीं जानते। मेरे पिता कहते हैं कि रचयिता की वाटिका में कोई राजा नहीं हो सकता। मेरा सबसे अच्छा सिपाही मत ले जाओ। वो तुम्हारा कोई नहीं। उसके हाथ में मेरा हथियार है, मुझे विश्वास है कुछ तो मेरा है। एम, छोड़ दो उसे। नहीं, उसने मुझे ये दी है। जो मैं कहता हूं करो। जब मैंने चमत्कारों की बात सुनी थी तो मैंने खारिज किया, फिर मैंने पक्षियों को देखा अपनी आंखों से, इसलिए मैं यहां आ गया। तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं। नहीं, ये सब कुछ तो मेरा है। ये जमीन, ये जंगल, तुम्हारा वो गढ़, क्या तुम सोचते हो कि तुम खुद को मुझसे बचा सकते हो उसमें? ये तुम्हारे खिलाफ सुरक्षा नहीं है। फिर ये क्या है? एक नौका, मासूमों को पनाह देने, जब रचयिता संसार को मिटाने के लिए अपना जल प्रलय भेजेंगे। परमेश्वर क्या होता है इस संसार में हमने नहीं सुना, लेकिन उसकी आवाज जरूर सुनी है। हम अकेले हैं, अनाथ बच्चे, अनाथ है, बदुआ वाले, बस इस संसार में जीने के लिए हमें छोड़ दिया गया है और किसी काम के नहीं है हम लोग। मुझे क्या लेना देना? तुम्हारे खिलाफ सुरक्षा नहीं है। हम मिल चुके हैं। मैं लमेक का बेटा हूं, सेत की आठवीं पुश्त। अपने कैन शहरों को लौट जाओ, जान लो हम सबका न्याय हो चुका है। मेरे पीछे लोग खड़े हैं और तुम अकेले खड़े हो, मेरा उल्लंघन कर रहे हो। मैं अकेला नहीं हूं। तो ये सारे तुम्हारे साथ है। तुम एक जल प्रलय को दावा कर रहे हो। खैर, शायद तुम सही हो। हमें स्वर्ग से निकाल देना काफी नहीं था, इसलिए वो दोबारा लौट रहा है हमें खत्म करने के लिए। खैर, अगर वो आता है तो मैं उस तूफान पर तैरूंगा तुम्हारी उस नाव में। तुम्हारी जाति के लिए कोई बचाव नहीं, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है।
जमीन मंजर हो रही है और शहर मस्के हैं। बात मत सुनो, चलो। मेरी प्रजा मेरे पीछे हैं और उनके पीछे कुछ नहीं। मैं चमत्कारों से नहीं डरता लमेक के पुत्र। अगर वो हम सबको डराएगा तो मैं और एक बार लौटूंगा और सेना के साथ। चलो। पिताजी, क्या इतने सारे आने वाले हैं? जितनी जल्दी हो सके हमें काम खत्म करना होगा। वो बारिश जल्दी भेजिए, उतना ही अच्छा होगा। तब तक हम अंदर सुरक्षित हैं। पहले हम हथियार बनाते हैं फिर आदमी। केवल उन्हें ही खाना दो जो लड़ेंगे। उन्हें हथियार दो, प्रशिक्षित करो, और ऐसा कुछ नहीं जो नहीं कर सकते वो। बड़ी सेना लेकर हम सबको कुचल सकते हैं। क्या मैं फिर आऊं? नहीं। आपको लगता है वो आदमी हम पर हमला करेंगे? जब वर्षा होगी। क्या लगता है ये कैसा होगा? मैंने इसकी कल्पना की है, इतनी ज्यादा मौत देखने की। मुझे यकीन नहीं कि यही शब्द है। हर चीज का अंत, एक शुरुआत, हर चीज की शुरुआत। तो ये क्या है? वो चाहे जो भी कहे या करे, श्याम को तुमसे बहुत लगाव है। शैम को एक औरत की जरूरत है, एक असली औरत। उसे एक परिवार की जरूरत है। मैं उसे कुछ नहीं दे सकती।
और मैं उसे उन चीजों से वंचित नहीं रख सकती। अगर वो चाहे मैं ना करूं तो भी ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। और वैसे भी समझ नहीं आता कोई एक बांझ लड़की को क्यों चाहता है। इला, इला। जब हमने पहले पहल तुम्हें अपनाया, मैंने सोचा था तुम एक बोझ होगी। एक बार मैंने सोचा कि तुम्हें साथ मिलाकर मैंने गलती की है, पर मैं गलत था। तुम एक वरदान हो, एक बहुमूल्य वरदान। तुम बस ये मत भूलना तुम बहुमूल्य वरदान हो। मैं चाहती हूं आप हाम और जोफेत के लिए पत्नियां ढूंढोगे, आपको शैम के लिए भी पत्नी ढूंढना चाहिए। इला, क्या हुआ? ये सब अब तक अंदर होना चाहिए था। तूफान आ रहा है। हमारी पत्नियों का क्या हुआ बाबा? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पर वो कब आ रही हैं? कोई पत्नियां नहीं होंगी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आपने कहा था चेता हमें वो देगा जो हमें चाहिए। अपने भाई की मदद करो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा। मैं मर्द कैसे हो सकूंगा फिर? मैंने कहा अपने भाई की मदद करो। आप चाहते कि मैं हमेशा पत्नी नहीं बना रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मर्द बनो।
और वो करो जो जरूरी है। की वफादारी, ये पित की दयालुता, हाम की निष्ठा, वो अच्छे मनुष्य हैं, वो अच्छे पिता बने के। शैम वासना में अंधा हो गया, हैम लालची है, और ये पित बस चापलूसी करने को जिंदा है। मैं भी कोई ठीक नहीं, और तुम? क्या कुछ ऐसा है जो तुम नहीं करोगे, अच्छा या बुरा, उन तीन लड़कों के लिए? हम दोनों ही हत्या भी कर सकते हैं अपने बच्चों के बचाव के लिए। हाँ, हम कोई अलग नहीं है, हम भी कमजोर और स्वार्थी हैं उन्हीं की तरह। हम काम करेंगे, ये काम खत्म होगा और फिर हम मर जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे। वो बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं नुहा, तुम्हें बिल्कुल दया नहीं है। दया का समय बीत गया, अब हमारा दंड शुरू होता है। कुछ लाई हो क्या? नोआ ने वो बीज बोया है जो मैंने उसे दिया था? हाँ। और उस पूरे जंगल में तुम्हें बेरीज नहीं मिले? शिव ने मुझे बेरीज देने का वादा किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अफसोस। फिर तुम यहां क्यों आई? नोहा के कारण, वो हमारे बच्चों का साथ नहीं दे रहा। शेम के पास इला है पर वो बांझ है, कोई और पत्नियां नहीं होंगी तो कोई बच्चे नहीं होंगे। न्याय रचयिता इस संसार को नष्ट कर रहा है क्योंकि हमने इसे बुराइयों से भर दिया है, इसलिए हमें खुद को भी नष्ट कर देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानती कि यह सच है, तब नहीं जब मैं अपने बेटे की ओर देखती हूं। उन्हें बस प्रेम की इच्छा है, क्या उनका पूरा हृदय इसी से अच्छा नहीं होगा? कौन अच्छा है कौन बुरा है मुझे कैसे पता चलेगा? ये चुनाव तो नोआ को करना होगा, मुझे नहीं। पर मुझे लगता है कि उसने तय कर लिया है। तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर अगर मैंने कोशिश की तो उससे दर्द हो सकता है, शायद दुख भी पहुंचे और अंत में नोआ को यहां पे आना पड़ेगा। यही तुम्हारी इच्छा है? मेरे बेटों के बच्चों के बच्चे होने चाहिए, मैं चाहती हूं वो खुश रहें। मैं
मैं उन्हें अकेले मरते हुए नहीं देख सकती। अब जाओ, रास्ते से गुजरने दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे पास खाना है, ले लो। क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं। क्या तुम अकेले हो? हाँ, और तुम? मैं निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो फिर मैं कुछ देर रुक सकता हूं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। मेरा नाम नायल है। शेम, जाओ उन्हें ढूंढो और वापस ले आओ। ख्याल रखना। डरो मत मेरी पोती, डरो मत। यहां जाओ। दादाजी, हाँ। आप यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ बेर यानी कि बेरीज ढूंढ रहा हूँ, मेरी मदद करो, मेरी नजर काफी कमजोर हो गई है। मुझे हाम को ढूंढना है। उसके बारे में बाद में सोचना, यहाँ आओ, आओ आओ और बेर ढूंढने में मेरी मदद करो। यही कहीं है, यही कहीं है, हाँ यही कहीं है मेरे बेर। मैं जानता हूँ मेरे बेर यहाँ पर कुछ भी नहीं है दादाजी। मैं आपको नोआ के पास ले जाऊंगी। नहीं, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ। और रुको रुको रुको, 10 साल से तुम मेरे अपनों में रही हो, मेरे अपने परिवार में 10 साल, और तुम उनसे प्रेम करती हो, शेम और नोआ से। उन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे पाला पोसा, बड़ा किया। हाँ मैं जानता हूं, और अब तुम उनकी बिटिया की तरह हो, मेरी अपनी पोती। 10 साल से तुम मेरे घर में रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी आशीष नहीं दिया। क्या अब तू? Thank you.
ईला। 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 हमें वापस जाना होगा। जाना होगा, हमें जाना होगा, चलो चलो अभी। मैं एक पुरुष हूं तुम्हारी छवि में बना, तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं करते हो? लेता हूं जैसा तुम करते हो, और मैं तुम्हारी तरह हूं, है ना? मुझसे बात करो। ये सब क्या हो रहा है? आकाश से मौत आ रही है, सबको ऊपर दिखता नहीं? ये बारिश हमें धरती से मिटा देने वाली है, लेकिन हम मर्द हैं। हम फैसला करते हैं कि हम जिएंगे या मरेंगे। हम मर्द हैं, हमें कभी भी हराया नहीं जा सकता। क्या तुम जीना चाहते हो? हम दानवों को मार डालेंगे, हम नोआ को मार डालेंगे।
गया है, जल्दी भागो। अपनी मां को बचाओ, उन सब की रक्षा करो। हमला! Thank you.
जो हम कर सकते हैं, हम रस्सियां खींच सकते हैं। पिताजी, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिर वो लोग ही तो हैं और जगह भी तो काफी है। उनके लिए कोई जगह नहीं। जल्द ही हर बात जो हम जानते हैं खत्म हो जाएगी। सृष्टि में वही बचेगा जो इन दीवारों के बीच होगा, और बाहर बस पानी और खलबली। वो क्रोधित हैं, तुम फैसला करो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, पहली कहानी जो मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी, और पहली कहानी जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। आदि में वहां कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं सिवाय खामोशी और अनंत अंधकार के। पर रचयिता के श्वास ने इस शून्य से निकलते हुए फुसफुसाते हुए कहा, उजाला हो जाए। और उजाला हो गया, और वो अच्छा था, वो पहला दिन। और फिर वो आकारहीन रोशनी ठोस आकार धारण करने लगी। दूसरा दिन हुआ और हमारी दुनिया जन्मी, हमारा खूबसूरत नाजुक घर, और उस बड़ी गर्म ज्योत ने उसके दिनों को पाला पोसा, और छोटी ज्योति ने रातों पर शासन किया। और फिर शाम हुई और सुबह, एक और दिन, और संसार के जल इकट्ठे हुए, सागर बने, उनके बीच सूखी धरती उभरी। एक और दिन बीता और भूमि ने चीजें उगाई, पूरी सृष्टि पर हरियाली की चादर फैल गई, और पानी ने भी जीवन उगाया। सागर के प्राणी बने जो पहले नहीं थे, ढेरों मछलियां जिनमें से कुछ अभी भी नीचे तैरती होंगी, और जल्दी ही आकाश पक्षियों से भरा था। और फिर शाम हुई, सुबह हुई, पांचवा दिन हुआ। अब पूरी धरती जीवित प्राणियों से भरी पड़ी थी। हर चीज जो रेंगती है, हर चीज जो चलती है, वो जानवर जो धरती पर चलते हैं, और वो सब अच्छा था, बहुत अच्छा था। वहां था उजाला और हवा और पानी, सब स्वच्छ, बिगाड़ रहित। वहां थे पौधे और मछलियां और पक्षी और जानवर, हर अपनी ही प्रकार का, सभी किस्म के महान और संपूर्ण प्राणी, और सब कुछ संतुलन में था। ये स्वर्ग लोक था। रचयिता के हाथ में एक नगीना,
तुम्हारे रचयिता ने मनुष्य को बनाया और उसके साथ एक स्त्री, हम सबके माता और पिता। उन्होंने एक विकल्प दिया, अंधकार के लालच के पीछे जाओ या रोशनी की आशीष को थामे रहो। पर उन्होंने मना किया हुआ फल खाया, उनकी मासूमियत बुझ गई और इसलिए आदम से 10 पीढ़ियों तक पाप हमारे बीच चलता रहा। भाई के विरुद्ध भाई, देश के विरुद्ध देश, मनुष्य सृष्टि के विरुद्ध हमने एक दूसरे की हत्या की, हमने संसार को तोड़ा, हमने ये किया मनुष्य ने। हर चीज जो खूबसूरत थी, हर चीज जो अच्छी थी, हमने बिखेर दी और ये फिर शुरू होगा। हवा, पानी, धरती, पौधे, मछलियां, पक्षी, स्वर्ग लौट आएगा, पर इस बार कोई मनुष्य नहीं होगा। यदि हमें अदन की वाटिका में फिर प्रवेश करना है तो इसे एक बार फिर तबाह करना होगा। नहीं, रचयिता ने हमें दंड दिया है, मनुष्य जाति को खत्म होना चाहिए। और शेम और इला, तुम अपनी मां और मुझे दफनाओगे। हैम, तुम उन्हें दफनाओगे या फिर तुम्हें विश्राम में लेटाएगा। तुम यापित, तुम अंतिम मनुष्य होगे और समय आने पर तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। सृष्टि अकेली बची रहेगी, सुरक्षित और खूबसूरत। मुझे अफसोस है उस लड़की के बारे में और तुम्हारे लिए भी दुख है, पर हमें यह कार्य सौंपा गया है जो हमारी इच्छाओं से ज्यादा महान है। जानता है कि मैं यहां हूं? क्या वो जानता है? नहीं 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 नहीं, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो एक लड़की थी, मैंने उसे लाने की कोशिश की पर उन्होंने उसे मरने दिया। बदला चाहते हो तुम? नहीं। हाँ हाँ चाहते हो। हाँ चाहते हो। कोई भूमि नहीं बची, हर चीज जो वहां थी मर चुकी है। ऐसा होना ही था, वो चाहते थे एक संसार बिना इंसान के। तुम समझ रही हो ना? Thank you.
जो मैं देख रही हूं वो ये कि तुम्हारे लिए कितना कठिन है एक ऐसे इंसान के रूप में जो जीवन का आदर करता है जो अपने बच्चों से प्यार करता है तुम मजबूत बने रहे पर अब ये हो गया अब ये हो गया अब तुम ये बोझ उतार दो जिन्हें देख लिया तो वो मार डालेंगे तुम्हें तैयार रहना चाहिए मैं तो कमजोर हो चुका हूं तुम ये क्या कर रहे हो मुझे अपनी ताकत वापस लानी है ये जानवर बहुमूल्य है वो एक प्रकार के दो ही है हां पर मैं भी तो एक ही हूं पर ये बारिश और ये सारे चमत्कार उनके लिए ही हैं। उनके लिए तुम्हारे पिताजी ने इसमें शैतान और हैवान भर दिए थे और तुम उनकी मदद करना चाहते हो वो एक खुदगर्ज इंसान है तुम मर्द हो तो तुम्हें बदला लेना होगा रचयिता ने जब आकाश धरती और इंसान बनाए उसके बाद दानव बनाए लेकिन वो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हैं सब कुछ उन्होंने आज तक सब कुछ तबाही किया है हमें बचाना होगा इसलिए उसने हमें अपनी छवि में बनाया हमें ये उस शक्ति का टुकड़ा है खा लो इसे तुम बीमार नहीं हो पर ये कैसे मुमकिन है क्या बात है नो पोता है क्या हुआ पिताजी बाबा हम आपका आशीर्वाद पाने आए हैं समझा नहीं मैं गर्भवती हूं यह संभव नहीं तुम बांझ हो गर्भ धारण नहीं कर सकती यह कैसे संभव है दादाजी मैंने दादाजी से कहा था क्या करने को रचयिता की आज्ञा टालने को अपने बच्चों को एक भविष्य देने के लिए
मानवता के एक भविष्य के लिए। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या कर डाला? वो सारी जाने, वो सारे लोग बिना मकसद के। तुम्हें पता है मुझे ये क्या करने पर मजबूर करता है? वो सब नहीं किया जो आपने करने को कहा? क्या वो सब काफी नहीं था? आप जवाब क्यों नहीं देते? क्यों? निराश नहीं करूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह होकर रहेगा। पिताजी, बारिश रुक गई है और रचयिता हमारे बच्चे पर खुश है। बारिश बंद हो गई तुम्हारे बच्चे के कारण, पर वो मुस्कुरा नहीं रहे। यदि तुम्हारा बच्चा लड़का हुआ तो यापेत के बदले वो अंतिम मनुष्य होगा। यदि वो लड़की हुई जो बड़ी होकर मां बनेगी तो उसे मरना होगा। क्या पागल हो? वो मेरा बच्चा है। यदि तुमने लड़की पैदा की तो उसके पैदा होते ही मैं उसे काट डालूंगा। कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं।
कुछ नहीं, हमें फिर भी जाना होगा। ईला, वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास पानी और खाना कब तक रहेगा? एक हफ्ता, एक महीना? एक महीना? देखो रुक जाओ, जब तक पंछी को जमीन नहीं मिल जाती तुम रुक जाओ। ये बेत उसे दोबारा भेजो, वो थक गए हैं। फिर एक बार भेजो, भेजो, कहो उसे शायद हमारे लिए कुछ ढूंढे। नहीं, हम आज ही जाएंगे। वो वहां मर जाएंगे अगर वो रुके नहीं तो। और उनके बच्चों को मरने दूं? नो, नो, हां मैंने किया था, मैंने किया था नोहा। मेहरबानी करो मुझे सजा दो, नोहा मुझे सजा दो, उन्हें नहीं, बच्चों को नहीं, बच्चों को नहीं, मेहरबानी करो। बच्चे को दंडित नहीं किया जा रहा, हम सभी को किया जा रहा है। यह मैं नहीं करना चाहता, मुझे करना पड़ रहा है और यह दर्दनाक है। मेरे लिए भी यह बहुत दर्दनाक है। सही, कैसे कैसे ये सही है? वो बच्चे हैं नो, तुम इसे करोगे तो अपने बेटों को खो दोगे, ईला को खो दोगे, मुझे भी खो दोगे। मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, हर तरह से, हमेशा। मैंने तुम्हें माफ किया है, सांप मारे गए मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार थी, लेकिन इसमें साथ नहीं दूंगी तुम्हारा। लड़का हो या लड़की, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और अकेले ही मरोगे तुम, इतना ही नहीं नफरत पाओगे, तुम नफरत पाओगे, जो भी प्यार करते हैं सब नफरत करेंगे तुमसे। ये सही नहीं है। वक्त आ गया है। उसे वहां से ले आओ, लड़की को खत्म कर देंगे। शायद इसकी जरूरत पड़े।
जाने मैं कर पाऊंगा कि नहीं। उसने उस लड़की को मार डाला, अब वो इन सबको भी खत्म कर देगा। तुम यही चाहते हो? बताओ मुझे, तुम्हें अपनी बहन की संपत्ति चाहिए। मर्दों पर स्वर्ग का राज नहीं होता, मर्द अपनी इच्छा से आगे बढ़ता है। इसलिए तुमसे पूछा मैंने, क्या तुम मर्द हो? अच्छा है, क्योंकि तुम एक आदमी हो, तुम मार सकते हो। लेकिन वो मेरे पीछे नहीं आएगा। शुक्रिया यापेत। बच्ची का ख्याल रखना। बिल्कुल घबराना नहीं मां, हम बहुत जल्दी ही वापस मिलेंगे। पिताजी, नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे लगा आप सच्चे हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना। उसने मुझे चुना क्योंकि वो जानता था कि मैं इस काम को पूरा करूं। समय हो गया है, मेरे साथ आओ। तुम ठीक? या फिर यहीं रुको। अंदर आओ, ये सही है। तुम ठीक हो जाओगी, तुम सुरक्षित हो। उसे अंदर रहने दो। तुम्हारा बच्चा आ रहा है, तुम्हारा बच्चा आ रहा है ना। कुछ और सोचो। मदद के बिना वो जाग जाए ये मुमकिन नहीं है। किस तरफ बेटा? से नहीं डरता। ठीक है,
इसे क्या हो रहा है? एक और है क्या? दो है? रचयिता हमें भूला नहीं है। उसका नाम नायल था और वो निर्दोष थे। वो बहुत अच्छी थी। Mama!
मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है आपको रोक सकती हूँ। वो रो रहे हैं, उन्हें रोते हुए मत दो, उन्हें शांत होने दो, बस उन्हें शांत होने दो। चंद्रमा ऊपर पत्ते छू रहे हैं, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं अपनी पनाह लेने के लिए, तुम्हें सुलाने के लिए उनकी प्यारी बाहों में। रात खत्म हुई, सो जाओ, सो जाओ, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं, बस सो जाओ। रोना बंद करो, सो जाओ। तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं, मैंने थाम कर रखूंगी। जल्दी करो, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है,
आंखें बंद कर दो यापित। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। मैं यहां नहीं रह सकता, मैं इसके काबिल नहीं हूं। खुश हूं कि यह तुम्हारे साथ फिर से शुरू हो रहा है। शायद हम दयालु होना सीख जाएंगे। क्या वो वापस आएगा? कुछ चीजें बदल नहीं सकती। मुझे जानना है तुमने उन्हें बख्श क्यों दिया। जब मैंने उन दो छोटी बच्चियों को देखा, मेरे दिल में उनके लिए प्यार उमड़ आया। तो फिर आप अकेली क्यों हैं? आप अपने परिवार से जुदा क्यों हैं? क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया, मैंने सबको धोखा दिया। सच में? उसने तुम्हें किसी वजह से चुना है। उसने तुम्हें इंसानों की कमजोरी से वाकिफ किया और मना किया कि तुम नजरअंदाज नहीं करोगे, मगर तुमने अच्छाइयां भी देखी। नतीजा तुम्हारे हाथों में सौंप दिया गया था, क्योंकि उनकी मर्जी थी। तुम पर निर्भर था कि हम बचने के काबिल हैं या नहीं, और तुमने दया दया को चुना, तुमने प्यार को चुना। उसने हमें दूसरा मौका दिया, एक पिता बनाया, दादा बनाया, इस बार कुछ अच्छा करने में हमारी मदद की, फिर से शुरुआत करने में मदद कीजिए।
रचयिता ने आदम को अपनी छवि में बनाया और दुनिया को उसकी देखभाल में रचा, और यह जन्मसिद्ध अधिकार हम तक पहुंचाया गया था। मेरे पिता को, फिर मुझको और मेरे बेटे को, शेम, यापित और हैम, यह अधिकार अब आपको सौंपा जा रहा है, हमारे पोते। अब यह आपका काम और आपकी जिम्मेदारी होगी। तो मैं तुमसे कहता हूं, फूलो फलो और इस पूरी पृथ्वी में भर जाओ। Father waits for thee.
that would